हेलो 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 वांगशन एंड ई चंडावस। तो कैसे हैं आप सब? तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप मेरे पार्ट 19 का वेट कर रहे होंगे। हाँ गाइस, मैं जानती हूँ मैंने अभी तक उसे अपलोड नहीं किया है। गाइस, मैंने उसकी वॉइस एडिटिंग रिकॉर्ड कर ली है, बस मुझे उसकी पिक्चर्स और थोड़े साउंड इफेक्ट्स डालकर उसकी एडिटिंग करनी है, इसलिए मैं मंडे तक उसे अपलोड कर दूँगी। वो वीडियो भी बड़ी है और आपको पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। पर हाँ गाइस, उस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है और थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। तो चलिए, आप पार्ट 19 देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके लिए एक नई FF स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको उस FF की थोड़ी सी स्टोरी लाइन, उसके मेन कैरेक्टर्स, उसके बारे में बताऊंगी। और गाइस, मुझे आपसे एक स्पेशल बात करनी है। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी लव लेटर ऑफ वांगशन फीलिंग्स के नाम से। गाइस, एक्चुअली मैं उस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो गई थी और शायद मैंने आपको भी कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस कर दिया। गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी वजह से आप सब मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे लगा कि आप सब बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं मुझे लेकर कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब नॉर्मल हो चुकी हूँ। गाइस, सॉरी अगर मैंने उस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा कह दिया, पर ठीक है गाइस, मैं समझती हूँ कि आप सब की भी दिक्कत थी, आप सब कुछ खाली नहीं थे, आप लोग बिजी थे, समर वेकेशन आ रहे हैं तो आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे। इसलिए गाइस, डोंट वरी, अब से मैं रिलैक्स रहूँगी और आप सब के प्यारे प्यारे कमेंट्स, थैंक यू और नाइस स्टोरी, इसी से मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। और हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं आपसे ज़्यादा हर्ट नहीं होंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए मेरी नई FF के लिए आपको मैं स्टोरी लाइन भी बताती हूँ। तो सबसे पहले उन कैरेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो बेसिकली ये स्टोरी एक ओमेगा वर्ड्स है जिसमें ये ईजान FF है। इसमें हमारे मॉडर्न टाइम के वांगीबो और शौजान है। हमारा प्यारा सा हैंडसम सा बीइंग हमारा शौजान इसमें एज अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है और हमारा क्यूट सा प्यारा सा वीबो वांगीबो इसमें एक क्यूट सा ओमेगा है। गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे मर्मैन FF पे कि दीदी आपको वांगजी को बॉटम करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत कम ही वांगजी बॉटम में देखे हैं और शायद मैंने बहुत कम रीड किए हो जिसमें हमारा वांगीबो या लान वांगजी बॉटम है। तो इसलिए मैंने ये FF लिखी थी मेरी उसी इमेजिनेशन पर, उसी डिज़ायर्स के लिए। तो ये FF मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत क्यूट FF से मुझे लगती है क्योंकि इसमें हमारा प्यारा वीबो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने इस मेन लीड शौजान को देखते हैं। हैंडसम, टॉल, ब्यूटीफुल, एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है। वो CEO है, चेयरमैन है चिनचिन कंपनी की, चिनचिन मल्टीनेशनल कंपनी की। एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है जो बेसिकली चाइना में सिचुएटेड है। ये कंपनी बहुत बड़ी है और इसके हर एक कंट्री में ब्रांचेस हैं। ये एक ह्यूज एम्पायर की तरह है, बहुत बड़े। और ये इसीलिए शौजान हमारा बिलियनियर से भी ज़्यादा रिच है। उसकी कंपनी बेसिकली फोटोग्राफी और एडवर्टाइजमेंट करती है। बेसिकली ये हर छोटे छोटे या बड़े प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करती है। ये हर एक प्रोडक्ट एज अ डिमांड उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाती है, उसकी प्रमोट करते हैं, आइडल्स को लोग हायर करते हैं और उनसे उनका प्रोमो कराते हैं। इस स्टोरी में हमारा प्यारा सा हैंडसम सा शौजान एक एरोगेंट पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसकी कई सारी आदतें हैं, उसकी कई सारी हैबिट्स हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। पर हाँ, उसकी एक आदत कह लीजिए या उसका दिल का हाल कह लीजिए, उसे जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो कभी भी किसी पे बहुत जल्दी बिलीव नहीं करता। वो केवल अपने फैमिली मेम्बर्स पर ट्रस्ट करता है,
उससे ज़्यादा किसी पे नहीं। और हमारा प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा, हमारा प्यारा सा वांगी बो, वो एक क्यूट सा प्यारा सा ओमेगा है। वो एक एक्टर है, मॉडल है, टीवी होस्ट है और उसने कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी वो पार्ट लेता है, जैसे स्केटिंग, बाइक रेसिंग, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो बहुत ज़्यादा रिच है, वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिचेस्ट सेलिब्रिटीज़ में आता है चाइना के। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खासकर क्योंकि वो ओमेगा है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी क्यूटनेस पर भी तो ओमेगा, अल्फ़ा, यहाँ तक कि बीटा भी सब गिर जाते हैं। उसकी अदाओं पर तो सब फ्लैट ही है। वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और हाँ, वो अपनी क्यूट पर्सनालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर हाँ, वो बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है। अब देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दो अलग पर्सनालिटी के लोग जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। पर हाँ, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे उन दोनों के बीच में प्यार होता है। नॉर्थ और साउथ पोल क्या कभी मिलेंगे, या मैग्नेट की तरह वो हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो अब मैं 10th को इसका फर्स्ट एपिसोड, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड ऑलवेज लव वांगशित एंड ईजन। बाय।